जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज लोग एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन करने के पीछे की जो वजह है वो ये कि एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर में काम करने वाले स्टॉक है, इसलिए हमें ऐसे स्टॉक्स पे पैनी नज़र बनाकर रखना जरूरी है। समझेंगे कि क्या काम करती है, इसमें कब हमें एंट्री लेना है और जो मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे कि गिरावट किस वजह से हो रहा है, कब तक होगा। टेम्पोरी गिरावट है, घबराने की बात नहीं है। और सबसे जो मेन अपडेट है कंपनी के बोनस शेयर्स को लेकर, कंपनी ने अभी हाल ही में बोनस शेयर्स अनाउंसमेंट किया था, तो किस रेशियो में किया था, किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, कब तक मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सभी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर। वहीं पर सबसे पहले बोनस शेयर्स को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों को इसमें समझेंगे। अब हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे तो एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। आपको देखिएगा कि रेड फ्लैग इस स्टॉक में लगा हुआ है, यानी कि कंपनी अभी एएसएम की कैटेगरी में है। देखिए एएसएम वाला जो कैटेगरी होता है ये उतना खराब नहीं होता जितना ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी होती है। एएसएम कैटेगरी में फिर भी आप इस स्टॉक को इजिली बाई एंड सेल कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखें कॉर्पोरेट एक्शंस में तो आपको देखिएगा कंपनी ने 1:2 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया था 19 जनवरी को। अब देखिए रिकॉर्ड डेट और जो एक्स डेट है दोनों एक ही हो गए, क्योंकि T+1 डेज में अब शेयर्स का सेटलमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 1:2 का कंपनी ने बोनस शेयर दिया था, यानी कि जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस शेयर्स के रूप में, और उसके पास कुल 3 शेयर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के पास यदि 5 शेयर्स थे तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। कहने का मतलब है कि 2 के मल्टीपल में ही 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलना है, ये बात आप समझ गए। आप समझिए ये बोनस शेयर्स देने जा रही है, तकरीबन 10,58,00,000 बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, जो बोनस शेयर्स ग्रुप में लोगों को दिए जाने हैं। बहुत से लोगों को शेयर्स मिल भी गया होगा, जिन लोगों के पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं, जिनको नहीं मिला होगा उनके लिए बता दूं कि जो बोनस शेयर्स रिकॉर्ड डेट से तकरीबन 15 दिनों का समय लगता है बोनस शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में पूर्ण रूप से क्रेडिट होने में, और जब बोनस शेयर्स मिलने वाला होता है तो हो सकता है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो इस पहले से इसके शेयर्स हैं उसके एवरेज प्राइस में आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिले, एवरेज प्राइस ज़्यादा या कम देखने को मिले, और साथ में इसकी जो क्वांटिटी है उसमें भी कुछ कम हो जाए। इससे घबराना नहीं है, जब बोनस मिलने वाला होता है तो उसकी एडजस्टमेंट होनी होती है प्राइस की, जिस वजह से आपका एवरेज प्राइस और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है शेयर्स का उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, लेकिन ये कोई मेजर चीज़ नहीं है। आपको बस वेट करना है रिकॉर्ड डेट से 15 दिनों का, 15 दिनों के अंदर ही सामान्यतः जो बोनस शेयर्स होते हैं क्रेडिट हो जाते हैं डीमैट अकाउंट। किसी किसी केस में क्या होता है कि 20 दिनों का समय लग जाता है, तो आप 15 से 20 दिनों का वेट कीजिए, जिसको नहीं मिला है उसको ये शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा कैसे यदि आप एलिजिबल हैं तो बोनस शेयर्स को पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी समय समय पर बोनस तो देती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे 2022 में भी बोनस दिया था, 2024 में फिर कंपनी ने अभी बोनस दिया, और इसके पहले 2023 में देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड दिया था, यानी कि ये कंपनी डिविडेंड प्लस बोनस दोनों आपको देती रहती है। एक छोटी सी कंपनी जो डिविडेंड और बोनस दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है, और जब कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब चलिए समझते हैं कि ये कंपनी कैसी है, और जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं हो कहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले यदि इस कंपनी के काम को समझे तो आपको मैं बताऊँ, ये कंपनी गवर्नमेंट जो गारमेंट्स होता है, जो ज्वेलरी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको इसकी खरीद फरीद करती है, यानी कि ट्रेडिंग करती है। साथ में ये कंपनी टूर एंड ट्रेवल्स के सेक्टर में भी काम करते हुए नजर आएगी, और थोड़ी बहुत ये कंपनी आईटी सेक्टर में भी काम करते हुए नजर आएगी। जो मेजर रेवेन्यू होता है कंपनी का गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी की मेजर कमाई होती है। यदि हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो 850 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और कंपनी के बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस जाता है, ये बढ़िया बात है। साथ में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है भी डबल डिजिट में आने की, आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न साल भर में निकाल कर दे देगी। टेक्निकल डाटा ये कहता है कि जो शेयर प्राइस था काफ़ी बढ़ रहा था, देख सकते हैं यहाँ एक का मैंने चार्ट ओपन किया, और 1 साल से यदि देखेंगे तो ये जो लाइन था 20 रुपये का, इसके लिए एक प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ और प्राइस सीधे 20 रुपये से 35 रुपये तक आपको जाते हुए देखा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्राइस जब बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है, हल्का रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। घबराने कोई बात नहीं, 25 रुपये के लेवल तक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर उठेगा और इसके बाद इसलिए आपको कम से कम 40-45 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। यदि हम लोग पिछले 5 साल के इसका हिस्ट्री देखें, पिछले 10 साल तक देखें, तो कहीं पर भी अभी तक ये स्टॉक इतना ऊपर नहीं गया था, तो जाहिर सी बात है इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है, इस वजह से प्राइस करेक्ट करने नीचे आ रहा है। इससे घबराना नहीं है, आप चाहें तो नीचे आने के बाद एवरेजिंग कर सकते हैं, और जो नए व्यक्ति हैं जब 25 रुपये से ऊपर निकलने लगे प्राइस तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यदि हम लोग इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट से जैसे ये पता लग जाएगा फंडामेंटल बेहतर हो रहा है कि नहीं। सच में देखिए यहाँ पे
पे देखेंगे यदि सेल्स, तो आपको दिखेगा कि इस बार जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर मुकाबले बेहतर आया है। और वहीं पे यदि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो भी आपको बढ़ते हुए दिखा, और नेट प्रॉफिट साथ में जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। सबसे कमाल की बात यह है कि कंपनी के जब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स उनके पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है इस स्टॉक में, तो जिस स्टॉक का फंडामेंटल बेहतर है, जिस जो स्टॉक काम बढ़िया करता है, जिसका ग्रोथ है फ्यूचर में फंडामेंटल ठीक है, जिस स्टॉक का टेक्निकल डाटा बढ़िया करता है, जो स्टॉक आपको डिविडेंड और बोनस समय समय पर देते रहता है, जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना ही होना चाहिए। तो एसबीसी एक्सपोर्ट्स ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करता है, इसलिए एसबीसी एक्सपोर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाना जरूरी था, मैंने इसके बारे में आपको अपडेट दिया। यदि इस रिलेटेड मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।